सभी को स्क्रीन विजिबल है? एक बार कंफर्म कर देंगे आप, सभी को स्क्रीन विजिबल है, वॉइस प्रॉपर आ रही है? जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण सभी को। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है ज्ञान योग। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरीके से ज्ञान के माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। योग मतलब भगवान से जुड़ना। योग का मतलब क्या है? भगवान से आवाज नहीं आ रही क्या? पीयूष प्रभु जी ने लिखा आवाज नहीं आ रही है। आवाज प्रॉपर आ रही है प्रभु जी? जी प्रभु जी आ रही है। ऐसा नहीं बीच बीच में कट नहीं रही है डिवाइस में? नहीं नहीं प्रभु जी क्लियर है, उनके कुछ डिवाइस में प्रॉब्लम होगी। प्रभु जी आप एक बार रीज्वाइन कर लीजिए। पीयूष प्रभु जी अगर दिक्कत आ रही है आपको तो एक बार आप रीज्वाइन कर लीजिए तो आई थिंक वॉइस सही हो जाएगा। बाकी आई थिंक सभी को सुनाई दे रहा हूँ। ठीक, तो आज कल हमने पढ़ा था कर्मयोग, यानी कर्म के माध्यम से ऐसा क्या कर्म करें, कैसे कर्म करें कि हम भगवान को प्राप्त कर सके, ऐसे कैसे कर्म करें कि हम भगवान से जुड़ सके, ये कर्मयोग हमको सिखाता है। तो कल हमने कर्मयोग के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे ज्ञान योग। वो ज्ञान के बारे में बात करेंगे जिससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं, वह ज्ञान जो अगर हमें मिल जाए तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस ज्ञान के बारे में जो अब भगवान कृष्ण अर्जुन को देने जा रहे हैं, जिस ज्ञान को पाने से अर्जुन भगवान को प्राप्त कर सकता है और अर्जुन के माध्यम से हम सभी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब श्लोक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानः मव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष वाक् व्यब्रवीत। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या करते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन मैं यह जो उपदेश तुमको दे रहा हूँ, जो गीता का उपदेश तुमको मैं प्रदान कर रहा हूँ, यही गीता का उपदेश मैंने सर्वप्रथम सबसे पहले सूर्यदेव, जिनका नाम विवस्वान भी है, सूर्यदेव विवस्वान को दिया था और विवस्वान ने इसको अपने शिष्य मनु को दिया और मनु ने अपने शिष्य इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु कौन है? वही इक्ष्वाकु वंश जिस वंश में भगवान श्री राम जन्म लिए थे। उस श्री राम जी के वंश का जो पहला व्यक्ति है वो इक्ष्वाकु, राजा इक्ष्वाकु थे और इन्होंने भगवद गीता की शिक्षा मनु से पाई, मनु यानी प्रथम मानव जिनसे मानव सृष्टि स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन मैंने यह योग विद्या जो तुमको मैं बता रहा हूं, ये संपूर्ण योग विद्या मैंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को प्रदान की थी और सूर्यदेव ने अपने शिष्य मनु को दी और मनु ने अपने शिष्य किसको दी? इक्ष्वाकु को। फिर आगे प्रभु कहते हैं श्लोक नंबर 2 में, एवं परंपरा प्राप्त मीमं राजर्षियो विदुः सकालेनेह मता योगे नष्टः परंतपः। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है। तो ये जो परम विज्ञान है, ये जो गीता का ज्ञान है, ये गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से समझा है, किंतु काल क्रम में यह परंपरा क्षीण हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन गुरु शिष्य परंपरा से अब इक्ष्वाकु ने अपने शिष्य को दिया, उसके शिष्य ने उस अपने शिष्य को दिया, तो इस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा से ये जो गीता का ज्ञान है वो चलते आ रहा था, परंतु आगे जाके कालांतर में ये जो विज्ञान है ये विलुप्त हो गया, गुरु शिष्य परंपरा छिन्न भिन्न हो गई आगे जाके, और आगे जाके फिर ये ज्ञान, गीता का ज्ञान आगे बढ़ नहीं पाया। फिर आगे श्लोक नंबर 4.3 में भगवान कहते हैं, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन वही पुरातन विज्ञान, वही पुरातन ज्ञान आज मैं तुमसे कह रहा हूं अर्जुन,
यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जान सको, इस तरह का ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान करने वाला हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे प्रिय सखा हो। इसलिए मैं इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को तुमसे बता रहा हूँ। ये वही विज्ञान है जो मैंने सूर्यदेव को कहा था, और सूर्यदेव ने अपने शिष्य मनु, मनु ने अपने शिष्य इक्ष्वाकु को कहा था। वही पुरातन विज्ञान मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे भगवान क्या कहते हैं, अब ध्यान से देखिए। भगवान ने यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा का जिक्र किया। हमारे आज की दुनिया में चार तरह की परंपराएं चल रही है। ठीक है, तो जो भी लोग वैष्णव होते हैं तो चार परंपरा से ही दीक्षा ग्रहण करते हैं। भगवान कृष्ण ने चार लोगों को शिक्षा दी थी, मतलब दीक्षा दी थी। पहला ब्रह्मा जी को दिया था, दूसरी लक्ष्मी जी को दिया था, तीसरा शिव जी को दिया था, और चौथा चार कुमारों को दिया था। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को कृष्ण भगवान ने दिया, ब्रह्मा जी ने अपने शिष्यों को दिया, उनके शिष्य ने अपने शिष्यों को दिया। तो इस प्रकार से ये परंपरा चलती है। ठीक है, और इन्हीं लॉर्ड ब्रह्मा जी से, इन्हीं के मतलब कि गुरु शिष्य परंपरा में माधवाचार्य जी ने भी यहीं से शिक्षा ली। तो ये जो परंपरा कहलाई, ये वैष्णव गौड़ परंपरा कहलाई या माधवाचार्य परंपरा, और इसी परंपरा से इस्कॉन जुड़ा हुआ है। ये जो परंपरा है, इसी परंपरा से इस्कॉन जुड़ा हुआ है। तो कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने आगे अपने पुत्र नारद को दिया, नारद जी ने आगे अपने अन्य शिष्यों को दिया। इस प्रकार से माधवाचार्य जी ने भी इस परंपरा को लिया। ठीक है, और माधवाचार्य जी ने भी अपने आगे शिष्यों को दिया। तो इस तरह की परंपरा को, कोई भी चीज अगर हम इस तरह की परंपरा से लेते हैं, ये गुरु शिष्य परंपरा की जो पहली परंपरा है वह है माधवाचार्य परंपरा, यानी वैष्णव गौड़ वैष्णव परंपरा। दूसरा, भगवान कृष्ण ने लक्ष्मी जी को ये ज्ञान दिया था। तो आप देख सकते हैं लक्ष्मी जी से फिर आगे आने वाले, और उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। इस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान आया, आगे आने में रामानुजाचार्य, इस कलिकाल में रामानुजाचार्य ने ये दीक्षा प्राप्त की। तो ये जो परंपरा कहलाई, वो कहलाई रामानुजाचार्य परंपरा। ठीक है, जो और ये परंपरा कौन सी है जिसमें सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने देवी लक्ष्मी मैया को इसका ज्ञान दिया था, फिर भगवान कृष्ण ने भगवान शिव को इसका ज्ञान दिया, शिव जी को इसका ज्ञान दिया, शिव जी ने अपने शिष्य को दिया, उन्होंने अपने शिष्य को दिया। तो ये जो परंपरा आई, और इस कलिकाल में विष्णु स्वामी जी ने इनसे शिक्षा प्राप्त की थी, तो ये परंपरा कहलाई विष्णु स्वामी परंपरा। और चौथी परंपरा, जब भगवान कृष्ण ने चार कुमारों को, चार मुनि कुमारों को दिया था, सनक, सनत, सनातन, सनत कुमार, ये चार मुनि कुमारों को दिया था, और चार मुनि कुमारों ने फिर अपने शिष्यों को दिया, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, और आखिरी में इस कलिकाल में निम्बार्क चार महाराज ने इनसे शिक्षा ग्रहण की। तो ये जो परंपरा कहलाई निम्बार्क चार परंपरा। तो हमारे जो दुनिया में है, ये जो वैष्णव लोग हैं, ये चार परंपराओं से प्रतिष्ठित हैं। चार परंपरा चल रही है। पहली कौन सी, माधवाचार्य परंपरा जो कि ब्रह्मा जी से आई है, दूसरी रामानुजाचार्य परंपरा जो कि लक्ष्मी जी से आई है, तीसरी विष्णु स्वामी परंपरा शिव जी से आई है, और चौथी निम्बार्क चार परंपरा चार कुमारों से आई है। हमें गुरु किसे बनाना चाहिए जो इन चार परंपरा से बिलोंग करता हो। अगर हमारे पास ऐसा कोई गुरु है, उन्होंने हमें दीक्षा दी है, कोई मंत्र दिया है जो इन चार परंपराओं से नहीं आता हो, तो ऐसे गुरु दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ऐसे गुरु के द्वारा मंत्र कभी सिद्ध नहीं होता, ऐसे गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र हमको नहीं पढ़ना चाहिए। हमेशा गुरु दीक्षा लेनी है तो इन चार परंपरा से आए हुए गुरुओं से ही दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से जो भी चीजें हमको मिलती हैं, वो सारी चीजें ऑथेंटिकेटेड होती हैं, जो कि भगवान कृष्ण ने स्वयं दी है। गुरु शिष्य परंपरा में कभी भी आप कह सकते हैं इसको कि कभी अलग चीज आपको नहीं मिलती। भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, वही ज्ञान हमको हमारे गुरु से मिलेगा जो इन चार परंपरा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस्कॉन जो है माधवाचार परंपरा, यानी गौड़ वैष्णव परंपरा पे चलते हैं। ठीक है, जो कि ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त हुआ है, और हम सब जो भी दीक्षा लेते हैं इस्कॉन में, वो सब वैष्णव गौड़ परंपरा के अंतर्गत लेते हैं। तो अगर कोई ऐसा है जो कहीं और से दीक्षा लिया हुआ है, जो कि जिनके गुरु किसी परंपरा में नहीं आते हैं, तो ऐसे लोग परंपरागत गुरु से ही दीक्षा लें, तभी आपका मंत्र जपना सफल होगा। ठीक है, तो इन चार परंपरा में से किसी भी परंपरा से दीक्षा लेने पर ये
गुरु शिष्य परंपरा से अगर हम दीक्षित होते हैं तो ये हमारे लिए सही रहता है, अन्यथा ये चीजें गुरु शिष्य परंपरा के अलावा अगर हम लेते हैं तो वो चीजें सही नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने अपने शिष्यों को इस प्रकार से दीक्षा दी। तो और इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने दीक्षा पाई और प्रभुपाद जी ने किताब लिखकर हम सबको यहाँ पे सारी चीजें मतलब कि सब कुछ ज्ञान दे रहे हैं। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को ज्ञान दिया, उनके शिष्य अब अपने शिष्य को दे रहे हैं, फिर उनके शिष्य इस प्रकार से दीक्षा देते रहेंगे आने वाली पीढ़ियों को। ठीक है, तो गुरु शिष्य परंपरा से हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है और इसी को हमें ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कृष्ण जी के बाद ब्रह्मा जी कितने लोग वैष्णव गौर परंपरा में ज्ञान प्राप्त किए। कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव को दिया, व्यास देव ने माधवचार्य को दिया, माधवचार्य ने पद्मनाभ को दिया, पद्मनाभ ने नरहरि को दिया, नरहरि ने माधव को दिया, माधव ने अक्षोभ्या को दिया, अक्षोभ्या ने जय त्रिथा को दिया, जय त्रिथा ने ज्ञाना सिंधु को दिया, ज्ञाना सिंधु ने दयानिधि को दिया, दयानिधि ने विद्यानिधि जी को दिया, विद्यानिधि जी ने राजेंद्र को दिया, राजेंद्र जी ने जया धर्म को दिया, जया धर्म ने पुरुषोत्तम को दिया, पुरुषोत्तम जी के द्वारा ब्राह्मण तीर्थ को दिया गया, ब्राह्मण तीर्थ के द्वारा व्यास तीर्थ को दिया गया, फिर व्यास तीर्थ के द्वारा लक्ष्मीपति को दिया गया, लक्ष्मीपति के द्वारा माधवेंद्रपुरी को दिया गया, ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के द्वारा ईश्वरपुरी को दिया गया, ईश्वरपुरी के द्वारा लॉर्ड चैतन्य को दिया गया, लॉर्ड चैतन्य के द्वारा लॉर्ड चैतन्य यानी भगवान कृष्ण स्वयं आए थे। ठीक है, फिर लॉर्ड चैतन्य के द्वारा रूप गोस्वामी को दिया गया, फिर उनके द्वारा रूप गोस्वामी के द्वारा रघुनाथ गोस्वामी को दिया गया, फिर कृष्णदास गोस्वामी को दिया गया, फिर कृष्णदास गोस्वामी के द्वारा नरोत्तम गोस्वामी को, नरोत्तम गोस्वामी के द्वारा विश्वनाथ गोस्वामी को, विश्वनाथ गोस्वामी के द्वारा श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को, श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के द्वारा श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी को दिया गया, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा श्रीला गौर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को दिया गया, श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के द्वारा श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को दिया गया जो कि श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु हैं, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी महाराज के द्वारा एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को दिया गया और प्रभुपाद जी ने भी कई अपने शिष्यों को दीक्षा दी है। अभी इस कौन से जो गुरु हमें दीक्षा देते हैं उनका नाम है जय पताका स्वामी जी जो कि हम उनसे दीक्षा लेते हैं अगर कोई दीक्षा लेना चाहता है। तो इस तरीके से वैष्णव गौर परंपरा में जो है हम लोग इतने हमारे गुरु हुए, गुरु शिष्य परंपरा से इतना ज्ञान हमारे पास आया और स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा उन्होंने किताब लिखकर कई चीजें लिखकर हमको ज्ञान प्रदान करने की यहाँ पे चेष्टा की थी। यहाँ पे एक नाम आए माधवेंद्रपुरी जी की। माधवेंद्रपुरी जी की बहुत एक छोटी सी कथा है, बहुत बेहतरीन कथा है, उनको थोड़ा सा मैं सुनाना चाहूंगा। माधवेंद्रपुरी जी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बार जो है वो जगन्नाथपुरी गए, तो वहां पे चूंकि वो भगवान को भोजन बना के अर्पित करते थे, भगवान को खीर बना के खिलाते थे, तो वहां जब पुरी गए तो वहां पे खीर का प्रसाद मिलता है, तो वहां पे उन्होंने खीर प्रसाद खाया और उनको इतना अच्छा लगा, खीर का प्रसाद इतना अच्छा लगा, उन्होंने सोचा कि ये खीर अगर मुझे मिल जाए, अगर ये खीर मुझे मिल जाए और इसकी विधि में जानूं तो मैं भगवान को ये बना के खिलाऊं। तो ये जो माधवेंद्रपुरी जी हैं ये कहाँ चले गए? अच्छा आवाज कट हो गई, अभी प्रॉपर आवाज आ रही जी प्रभु जी? बीच में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन अभी कट हुआ था कि पहले से कट हो रहा था प्रभु जी? अभी जस्ट अभी हुआ था प्रभु जी। अच्छा ठीक, हरे कृष्ण। तो जैसे कि माधवेंद्रपुरी जी की मैं कथा सुना रहा था, बीच में थोड़ा वॉइस कट हो गया था। तो माधवेंद्रपुरी जी जगन्नाथपुरी गए और उन्होंने सोचा कि काश अगर मुझे खीर मिल जाता तो मैं भी भगवान को यही खीर अर्पण करता बना बना के रोज। तो इस भावना से तो वे जगन्नाथपुरी गए, लेकिन वहां पे उनको ये नहीं मिल पाया। तो वहां पे रोज भगवान को मटके में भोग लगता है खीर का। तो वहां पे जब पुजारी ने भगवान कृष्ण को अर्पण किया तो माधवेंद्रपुरी वहीं पुरी में थे, जगन्नाथपुरी में थे, तो वही वहीं पे मतलब कि रात को वहीं पे विश्राम करने लेट गए। तो उनका बहुत मन था कि मुझे खीर चाहिए, खीर चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो भगवान कृष्ण ने उस मंदिर के पुजारी को रात को स्वप्न दिया कि एक माधवेंद्रपुरी करके मेरा भक्त है, उस वहां पे जाके आप उनको खीर दे दीजिए। वहां पे एक लीला भगवान ने की थी कि भगवान ने वो खीर वहां से चुरा ली थी। ठीक है,
वहां पे भगवान ने खीर चुरा ली थी। और उसके बाद जब पुजारी को मालूम चला तो पुजारी ने माधवेंद्रपुरी चिल्ला चिल्ला के बुलाया कि कहाँ है माधवेंद्रपुरी जी, कहाँ है माधवेंद्रपुरी जी, है ना। तो जब ये सारी चीजें देखी पुजारी ने, सभी लोगों ने, मतलब उस समय से पुजारी जी थे, पुजारी जी माधवेंद्रपुरी को ढूंढ ढूंढ कर आए उनके पास, और उन्होंने अपना जो खीर था जो ठाकुर जी ने चुराया था वो माधवेंद्रपुरी जी को दिया। तो माधवेंद्रपुरी जी ने जब उस खीर को लिया तब वो भाव विभोर हो गए, उन्होंने खीर पूरा खा लिया, और जो जिस बर्तन में मटके में वो खीर था उस मटके को भी कुछ के माधवेंद्रपुरी जी ने खा लिया। तो ये भगवान की कृपा थी माधवेंद्रपुरी जी पे, जो उनको ये खीर खाने को मिली थी और वो भगवान को अर्पण करते थे इसी भाव से। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कथा थी, अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा हम मनवंतर के बारे में, कल्प के बारे में, जो चार युग है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ये जो युग चल रहा है उसका नाम है कलयुग। ठीक है, जो युग चल रहा है उसका नाम है कलयुग, और इसकी उम्र लगभग 432,000 वर्ष। कितनी उम्र है? 432,000 वर्ष। और अभी सिर्फ और सिर्फ 5,117 साल बीते हैं। कितना बीते हैं? 5,117 साल। और इस कलयुग की उम्र है 432,000 वर्ष। कलयुग के पहले द्वापर युग था, उसके पहले त्रेता युग, उसके पहले सतयुग। ठीक है, तो ये जो आपका कलयुग है, मतलब कि जो ये चार युग है, ये हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, तो चार युग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जो चार युग हैं, ये चार युग मिलके एक दिव्य युग बनाते हैं। चार युग का एक दिव्य युग होता है, ध्यान से सुनिएगा, चार युग का एक दिव्य युग होता है। एक दिव्य युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एक दिव्य युग में। ऐसे 71 टाइम्स सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 71 टाइम्स जब दिव्य युग आता है तो उसको एक मनवंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मनवंतर। और ऐसे 14 मनवंतर को एक कल्प कहते हैं। ठीक है, ऐसे 14 मनवंतर, एक मनवंतर में 71 दिव्य युग, ऐसे 14 मनवंतर होते हैं, और उन 14 मनवंतर को क्या कहते हैं? एक कल्प। और वो एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक कल्प की ब्रह्मा जी की एक दिन होती है, और एक कल्प का ब्रह्मा जी का एक रात्रि होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक दिव्य युग होता है, दिव्य युग में चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है, एक दिव्य युग जो है वो चार युगों में बटा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ऐसे 71 टाइम्स जो दिव्य युग आते हैं उसको कहते हैं एक मनवंतर, और ऐसे 14 मनवंतर क्या कहलाएंगे? एक कल्प। ये ब्रह्मा जी का एक दिन है, और ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, तो एक दिन ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है। एक कल्प एक दिन, और एक कल्प एक रात्रि। तो हम ब्रह्मा जी के दिन में जो है एक कल्प उत्पन्न होता है, और जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तो वो कल्प पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, एक कल्प में ब्रह्मा जी का एक दिन, तो एक, अगर हम एक महीने की बात करें तो ब्रह्मा जी का कितना कल्प होगा? लगभग एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो ब्रह्मा जी का 30 कल्प हुआ, मतलब कि हम लोग के लिए 30 कल्प, ब्रह्मा जी के लिए एक महीना। उसी तरीके से एक वर्ष में लगभग 365 दिन होते हैं, तो टोटल लगभग 365 कल्प हो गए। ठीक है, और ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? 100 वर्ष, तो इंटू 100 कर दीजिए, तो लगभग 36,500 वर्ष ब्रह्मा जी की, 36,500 कल्प ये ब्रह्मा जी की आयु है। 36,500 कल्प गुजरेंगे तब जाके ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी होगी। ऐसे सोचिए, 36,500 कल्प आएंगे तब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी होगी। एक दिव्य युग में चार चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 71 बार जब दिव्य युग आता है तो एक मनवंतर पूरा होता है, टोटल 14 मनवंतर होते हैं, एक कल्प में 14 मनवंतर। अभी जो चल रहा है आपका 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसका नाम है व्यवस्थ मनवंतर। ये जो कल्प चल रहा है, हर कल्प का नाम अलग अलग होता है। ब्रह्मा जी के पूरे उम्र में 100 वर्ष में 36,500 कल्प आते हैं, जिसमें अभी ये जो कल्प चल रहा है इसका नाम है श्वेत वराह कल्प, क्योंकि इसके प्रारंभ में वराह जी ने अवतार लिया था और पृथ्वी मैया को गर्भोदक ओशन से निकाला था। तो इस कल्प का नाम है श्वेत वराह कल्प। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, इसके जो मनु का नाम था वो व्यवस्थ मनु थे, तो उनके नाम से व्यवस्थ मनवंतर चल रहा है। अभी 7वां मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है, मतलब कि 27 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आ चुका है, 28वें बार का द्वापर युग खत्म हो गया है, और कली काल, ये कलयुग बचा हुआ है और वो चल रहा है। और कलयुग अभी 5,117 वर्ष अभी हुए हैं कलयुग को स्टार्ट हुए, और अभी 5,117 वर्ष पहले भगवान कृष्ण आए हैं। भगवान कृष्ण आदि स्वरूप हैं, जितने भी अवतार हैं सबके आदि स्वरूप हैं, उनसे ही अभी हम आगे पढ़ेंगे, उनसे ही तीन प्रकार के विष्णु आते हैं, तो जितने भी सृष्टि है भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न होती है।
और वो कल्प में एक बार अवतार लेते हैं। और भगवान कृष्ण जो कि आदि पुरुष हैं, है ना, 64 कलाओं से युक्त हैं, वही भगवान कृष्ण अभी 5117 साल पहले हुआ है उनको पृथ्वी से गए हुए। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि 36500 कल्प में, 36500 कल्प में, ये कल्प में श्वेत वराह कल्प में के 28, श्वेत वराह कल्प के सातवें मन्वंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग के अंत में अभी कृष्ण जी आए हैं। और सोचिए अभी कृष्ण जी आए हैं और हम लोगों को बस 5117 साल गुजरे हैं। 36500 वर्ष में 36500 बार कृष्ण जी आते हैं, हर कल्प में कृष्ण जी आते हैं, लेकिन एक कल्प में सोचिए कितने 14 मनवंतर होते हैं और 14 मनवंतर, हर एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। तो इतने समय बाद एक कल्प में, हर कल्प में राम और कृष्ण ये दोनों आते हैं। श्री राम जी का अवतार 24, ये जो आपका 24वां चल रहा था, ये आपका 7वां मन्वंतर का 24वां चतुर्युग, उसके त्रेता युग में श्री राम जी आए थे। 7वां मन्वंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर में श्री कृष्ण जी का पदार्पण हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का दिन होता है। अभी ब्रह्मा जी के आधी आयु पूरी हुई है, 50 वर्ष, मतलब 36500 बाई 2 कर लीजिए, इतना कल्प बीत चुका है। अभी वो वाला कल्प चल रहा है, श्वेत वराह कल्प, इसके बाद अभी आधा कल्प और बचा है, वो बीतने के बाद ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होगी। तो अभी लगभग आपका 18000 के लगभग जो है आपका कल्प पूरा हुआ है, 18000 पूरा हुआ है और 18000 लगभग कल्प बाकी है। तो इतना ब्रह्मा जी का उम्र होता है, 100 वर्ष। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा, बहुत अच्छी चीज है ये, आपको ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया ब्रह्मा जी को 50 साल हो गए हैं, ये कुछ कैलकुलेशन हुआ है। ठीक है, 6 मन्वंतर खत्म हो चुके हैं, 4 युग के 27 चक्र खत्म हो चुके हैं, 28वां चक्र कलयुग का चल रहा है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, गीता को पृथ्वी पर आए, गीता को 1200 लाख साल पहले विवस्वान को दिया गया था। कृष्ण भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को लगभग 1200 लाख वर्ष पहले सूर्यदेव विवस्वान को एक ज्ञान सुनाया था। ठीक है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से 1200 लाख साल पहले, कितना लंबा साल पहले सूर्यदेव को भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया था। और अभी 5117 साल पहले भगवान ने द्वापर युग के अंत में अर्जुन को वही ज्ञान दिया था। तो सोचिए कितना साल पहले का ज्ञान अब भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। ठीक है, और धरती पर जैसे विवस्वान ने किसको दिया, मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, तो धरती पर कब आई, 20 लाख साल पहले। धरती पर कब आई, 20 लाख साल पहले। 1200 लाख साल पहले किसको दिया था, सूर्यदेव को, सूर्यदेव ने फिर उसके बाद अपने मनु को दिया, तो धरती पर 20 लाख साल पहले भगवद गीता आ गई थी। ठीक है, ये ब्रह्मा जी का दिन है। अब देखिए किस प्रकार से पहले, अभी हम लोग सेकंड में टाइम नापते हैं, पहले किस तरह तरीके से समय को मापा जाता था। पहले होता था एक कृति यानी एक सेकंड का 34000वां भाग, फिर आता है एक तृति एक सेकंड का 300वां भाग, फिर आता है दो तृति यानी एक लव, दो लव एक क्षण, 30 क्षण एक विपल, 7 विपल एक पल, 60 पल एक घड़ी, 2.5 घड़ी एक होड़ा यानी एक घंटा, 24 होड़ा एक दिन यानी एक दिवस, 7 दिवस एक सप्ताह, 4 सप्ताह एक मास, 2 मास एक ऋतु, 6 ऋतु एक वर्ष, 100 वर्ष एक शताब्दी, 10 शताब्दी एक सहस्त्र शताब्दी, 432 सहस्त्र शताब्दी एक युग, 2 युग द्वापर युग, 3 युग त्रेता युग, 4 युग त्रेता युग सतयुग। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से समय को भी यहाँ से नापा जा सकता है। पहले किस तरीके से समय का मेजरमेंट होता था, आज सेकंड में होता है, पहले उससे भी छोटी छोटी यूनिट्स थी। ठीक है, अब आगे श्लोक नंबर 4 में अर्जुन क्या पूछते हैं। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म कथमे तद विज्ञानीयान त्वमादो प्रोक्त वानिति। अब यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं। अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, आपके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से, प्रभु अभी आपने कहा कि आपने 1200 वर्ष पहले सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया था, 1200 साल पहले आपने सूर्यदेव विवस्वान को यह ज्ञान प्रदान किया था। कौन सा ज्ञान, ये जो भगवद गीता का ज्ञान आप मुझे दे रहे हैं, ये ज्ञान आपने 1200 वर्ष पूर्व आपने
सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, ऐसा आप कहते हैं, ये आप कैसे कर सकते हैं? मैं समझू कैसे कि आपने ही वो ज्ञान दिया था? मैं नहीं समझ सकता, आपका तो जन्म द्वापर युग में हुआ है, 1200 साल पहले आप कहाँ से ज्ञान देने लगे प्रभु, ये बताइए। मतलब यहाँ पे अर्जुन को ज्ञान नहीं है कि भगवान परमेश्वर है, ठीक है, यहाँ पे अर्जुन को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि भगवान परमेश्वर है, इसलिए वो भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु सूर्यदेव तो आपसे बहुत बड़े हैं, उनका जन्म तो बहुत प्राचीन है और आपका जन्म हाल का अभी का है, तो मैं कैसे समझूं कि आपने ही सूर्यदेव को ज्ञान दिया था? वही चीज यहाँ पे कहते हैं अर्जुन, आप मेरे समकालीन हैं, मैं भी द्वापर युग में प्रकट जन्म लिया हूं, आपने भी द्वापर युग में प्रकट हुए हो प्रभु, मैं कैसे मानूं आपने ही सूर्यदेव को ज्ञान दिया था 1200 वर्ष पहले? आपका जन्म तो अभी का है, 1200 वर्ष पहले आप कहां थे? अब देखिए भगवान क्या उत्तर देते हैं, भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाच बहुनी में वैतीतानी जन्मानी तव अर्चार्जुना तान्य हम वेद सर्वाणी न तम वेत परम तपः। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो सबका स्मरण है किंतु तुम्हें इसका स्मरण नहीं है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन क्या बात कर रहे हो, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे सभी जन्मों का स्मरण है परंतु तुम्हें उन जन्मों का स्मरण नहीं है। फिर आगे भगवान कहते हैं 4.6 में अर्जुन से, अजो अपि सनन वयात्मा भूता नामीश्वरो प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवाम्यात्म मायः। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं होता, मैं प्रकट होता हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ और मैं सभी जीवों का स्वामी हूँ। मैं सभी जीवों का स्वामी होने के बावजूद मैं प्रत्येक युग में प्रकट हुआ करता हूँ, हर अवतार में मैं प्रकट होता हूँ, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं अर्जुन को। फिर आगे 4.7 में भगवान कहते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। तो चैप्टर 4 के श्लोक नंबर 7 में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म की हानि होती है, जब अधर्म बढ़ जाता है, उसकी प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं, अर्जुन, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का समूल नाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं अपना रूप रचता हूँ और हर युग में प्रकट होता हूँ, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, दुष्टों का समूल नाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। आगे भगवान कहते हैं, कृष्ण को जानने से क्या लाभ है, ठीक है, सबसे पहले जाने कृष्ण को जानने से क्या लाभ है। भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 9 में, जन्म कर्म च मे दिव्य मेवम यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सोऽर्जुनः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे अवतार लेने के दिव्य स्वरूप को जानता है, जो मेरे दिव्य कर्म को जानता है, वह इस संसार में जब उसका समय पूरा हो जाता है, जब अपना शरीर छोड़ देता है, तो वह मेरे परम धाम को जाता है, जो मुझे परमेश्वर के रूप में मानता है, वह निश्चय रूप से मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से मैया जसोदा भगवान कृष्ण को ओखली में बांधती हैं। होता क्या है कि भगवान कृष्ण जो है माखन खाते हैं, है ना, चुरा चुरा के माखन खाते हैं, तो जो भी गोपियां रहती हैं वृंदावन की, वे आके माता जसोदा से शिकायत करती हैं। तो वहीं पे माता जसोदा अब कन्हैया को बांध देती हैं ओखले से कि तू यहीं पे रह, तेरी यही सजा है, तूने जो चुरा चुरा के माखन खाया है, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तो यहीं पे रह और यहीं पे बंधा रह। तो कृष्ण भगवान को यहाँ पे ओखली पे बांध के मैया चली जाती है। फिर चूंकि वहाँ पे एक दो वृक्ष रहते हैं, ठीक है, तो उस दो वृक्ष को ये श्राप मिला था, वो दो वृक्ष कौन है, वो दो वृक्ष हैं अश्विनी कुमार के पुत्र, ठीक है,
मणिग्रीव और नल कुबेर। तो ये दोनों एक बार जो है वृंदावन के जो नदी थी वहां पे स्नान कर रहे थे। तो वहां पे कई अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे वो। तो वहां से नारद जी गुजरे, और चूंकि जब भी संत आते हैं तो हमें निकल के प्रणाम करना चाहिए। तो जब संत आए तो जितने सराय थे सभी ने अपने वस्त्र पहने और प्रणाम किया नारद मुनि को। लेकिन जो मणिग्रीव और नल कुबेर थे ये दोनों अपने खूबसूरती के अहंकार में नारद जी को प्रणाम नहीं किए और उनका अपमान करने लगे। तो नारद जी ने कहा कि तुम जिस जड़ मनुष्य के बारे तुम जिस जड़ व्यवहार के भांति तुम व्यवहार कर रहे हो, संत को संत के आने पे प्रणाम करना चाहिए, तुम प्रणाम नहीं कर रहे हो, जाओ तुम जड़ हो जाओ, तुम वृक्ष हो जाओ। तभी मणिग्रीव और नल कुबेर को अपने भूल का ज्ञान हुआ और उन्होंने नारद जी से क्षमा मांगी। क्षमा मांगी कि हे योगेश्वर, हे नारद मुनि, हमें इस श्राप से मुक्त करें, हमसे अज्ञान में भूल हो गई। तो नारद मुनि ने कहा मेरा श्राप तो विफल नहीं हो सकता, परंतु जिस समय भगवान कृष्ण मानव लीला करने के लिए इस धरती पर आएंगे तब वे तुम्हारा उद्धार अवश्य करेंगे। तो फिर यही भगवान कृष्ण ओखले को घसीट घसीट के वो दो वृक्षों के बीच में ले जाते हैं और तेज से अपने शरीर से ओखले को खींचते हैं और दोनों वृक्ष धराम करके गिर जाते हैं। उस दोनों वृक्ष से नल कुबेर और मणिग्रीव प्रकट होते हैं और भगवान कृष्ण उनको अपना धाम दिव्य धाम प्रदान करते हैं। तो ये थोड़ी सी कथा है भगवान कृष्ण की। अब देखिए भगवान कृष्ण और हम में क्या अंतर है। भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है आध्यात्मिक है, हमारा स्वरूप इस अस्थाई है। भगवान कृष्ण के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं, उनका शरीर आत्मा एक ही है, हमारे शरीर और आत्मा में अलग अंतर है। हमें भगवान ने यह शरीर दिया है इस मटेरियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस मटेरियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने के लिए हमें शरीर दिया है, हम आत्मा है, इस शरीर के हृदय में वास करते हैं, हमारा साइज 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, ठीक है। तो हमारे आत्मा और शरीर में अंतर है, भगवान के आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं। भगवान कृष्ण माया के नियंत्रक हैं, उनको नियंत्रण करने वाले हैं और हम माया के द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है भगवान कृष्ण और हम में। फिर आगे भगवान कहते हैं वितराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपस्या कूता मदभाव मागतः। भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, इस प्रकार से उन सबों ने मेरी प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर, भय को त्याग कर और क्रोध को त्याग कर, ये तीन चीज को त्याग कर उसे मुक्त होकर कई ऐसे साधु पुरुष हैं जो मेरे भावना से भावित हुए हैं, कृष्ण भावना से भावित हुए हैं और अपना कल्याण करके मेरे परम धाम को गए हैं। इन सारी चीजों से मुक्त होकर मेरे बारे में जानकर मेरे भगवत स्वरूप को स्मरण करके वे लोग भूतकाल में मेरी पूजा करके मेरा स्मरण करके मेरा ध्यान करके अपने आप को मुझे समर्पण करके ये सब मेरी भक्ति करते हुए मेरे परम धाम को प्राप्त हुए हैं, मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त हुए हैं, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 11 में ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थ है व भजाम्यहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वसः। भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, जिस भाव से लोग मेरी उपासना करते हैं, जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुसरण करते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। भगवान फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाहता है, तो दूसरा सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से अपने प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ। जब भगवान कृष्ण कंस को मारने पहुंचे थे मथुरा और वहां पे जो है मुष्टिक और कई पहलवानों के साथ उनका मल्ल युद्ध हुआ था, तो जब भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों उस मतलब की जो स्थान था जहाँ पे युद्ध होना था, मल्ल युद्ध होना था, वहां पे पहुंचे थे, तो जितने भी लोग जनता लोग वहां पे उपस्थित थे, जितने भी राजा लोग उपस्थित थे, सब भगवान कृष्ण को कैसे देखते हैं। जो भगवान कृष्ण को जितनी महिलाएं पुत्र के रूप में चाहती थी, भगवान कृष्ण उनको पुत्र के रूप में देखते हैं कि छोटे से बाल स्वरूप में भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं।
सभी महिला खुश हो जाती हैं कि भगवान कृष्ण ने उनको पुत्र रूप में दर्शन दिए। वही जो राजा लोग थे वो भगवान कृष्ण को प्रभु के रूप में मानते हैं, तो वे भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन कर पा रहे थे। जितने भी राजा लोग थे, धर्मात्मा राजा लोग थे, कई ऐसे लोग थे जो भगवान को सखा के रूप में मानते थे, तो भगवान उनके सामने सखा रूप में उपस्थित थे। कई ऐसे लोग थे जो भगवान कृष्ण को प्रेमी के रूप में मानते थे, तो भगवान उनके लिए कामदेव के रूप में उपस्थित थे। लेकिन कंस और अन्य अधर्मी राजा के लिए, जिससे जो लोग भगवान को शत्रु के रूप में मानते थे, उसके सामने भगवान यमराज रूप में उपस्थित थे। तो यही कहा जाता है कि भगवान को लोग जिस रूप में स्मरण करते हैं, जिस रिश्ते के साथ स्मरण करते हैं, भगवान उसी रूप में दर्शन देते हैं। इसलिए हम सबको भी भगवान कृष्ण के साथ एक ऐसा रिश्ता जोड़ना चाहिए, चाहे भाई का हो, दोस्त का हो, प्रेमी का हो, भक्त भगवान का हो, ठीक है, भक्त भगवान का रिश्ता हो, चाहे जैसा रिश्ता, भगवान से अवश्य जोड़ना चाहिए, जिससे एक रिश्ता जब होता है भगवान उसी के अनुरूप हमको दर्शन देते हैं, उसी के अनुरूप हमारा कल्याण करते हैं। तो हमारे भी भगवान के साथ एक रिश्ता होना चाहिए, चाहे पुत्र का रिश्ता हो, चाहे पति का रिश्ता हो, चाहे प्रेमी का रिश्ता हो, जैसा रिश्ता हो, लेकिन भगवान से रिश्ता अवश्य होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण के भक्तों के जैसे भावना होती भगवान कृष्ण के प्रति, उसमें भगवान दर्शन देते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। अब यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कई मनुष्य है अपने संसारिक कर्मों का फल चाहते हैं। संसार में उनको खुश रहना, तो कई प्रकार के चीजें बोलते हैं कि हमें संसार में ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो कई तरह की चीजें वो चाहते हैं। तो इसके लिए अनेक अनेक देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है, शिव जी की पूजा हो गई, ब्रह्मा जी की पूजा हो गई, शक्ति के लिए शिव जी की, ब्रह्मा जी की, कई तरह की पूजा, कई तरह की देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं कि फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं और देवता उन्हें सांसारिक फल का लाभ भी देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर परमा कृष्णा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सब अल्प ज्ञानी होने के कारण देवताओं को भगवान का दर्जा बिटे बैठते हैं, किसी को भी भगवान मान लेते हैं। देवताओं का स्थान देवताओं का है, भगवान का स्थान भगवान का है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का स्थान प्रधानमंत्री का है, मंत्रियों का स्थान मंत्री का है, मंत्री प्रधानमंत्री नहीं हो जाएगा, मंत्री मंत्री है, प्रधानमंत्री कभी नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री सिर्फ एक होता है। उसी प्रकार से हमारा जो भगवान है वो सिर्फ एक है, वो है कृष्ण, और बाकी सबके सब देवता हैं, सबके सब उनके आगे का पालन करने वाले। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि कोई भी देवता भगवान नहीं है, सभी के सभी देवता हैं, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही भगवान है, ठीक है। इसलिए हमारी अल्प ज्ञान रहता है कि हम सभी देवताओं को भगवान समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं समझना चाहिए, ठीक है। भगवान सिर्फ एक है और वह है परमेश्वर श्री कृष्ण। फिर आगे भगवान श्लोक नंबर 13 में बोलते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि इमाम विद्यधय कर्तारम अव्ययम्। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्रकृति के तीन गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे द्वारा जब सृष्टि की रचना हुई तो मैंने मानव समाज को चार विभागों में बांटा कर्मों के अनुसार। जो व्यक्ति पूजा पाठ का काम करता है, जिसको ज्यादा नॉलेज है पूजा पाठ के बारे में, जिसको वेदों का ज्ञान है, जिसको शास्त्र पुराणों का ज्ञान है, उसको मैंने ब्राह्मण की संज्ञा दी। जो व्यक्ति थोड़ा युद्ध कौशल में निपुण है, जो व्यक्ति लड़ाई करना आवाज आ रही है जी प्रभु जी, अभी चली गई थी क्या? जी प्रभु जी, म्यूट हो गया था ऑटोमेटिक।
ठीक, अभी आवाज आ रही है ना प्रॉपर? जी आ रही है प्रभु जी। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मैं व्यक्तियों को जो भी मैंने समाज बनाया, सबसे पहले मैंने उसको चार वर्णों में बांटा, जिसको नॉलेज है वेद पुराणों की, जिसको अलग अलग चीजों की नॉलेज है उसको मैंने ब्राह्मण की संज्ञा दी, जिस व्यक्ति को थोड़ा सा बैटल फील्ड की नॉलेज है, जो प्रजा पालक प्रजा पालन प्रजा रक्षण जानता है, ऐसे लोगों को मैंने क्षत्रिय की संज्ञा दी, जो लोग व्यापार के माध्यम से अपने देश की इकोनॉमी मजबूत कर सकते हैं उनको वैश्य की संज्ञा दी, और जो लोग सभी वर्णों की सेवा कर सकते हैं, जो ऐसे कुछ काम कर नहीं सकते शरीर के द्वारा सभी वर्णों की सेवा कर सकते हैं वे शूद्र कहलाए। तो कर्म के अनुसार मैंने सबको वर्णों की संज्ञा दी थी, कर्म के अनुसार लोग ब्राह्मण हुए, कर्म के अनुसार क्षत्रिय, कर्म के अनुसार वैश्य या कर्म के अनुसार शूद्र। यहाँ पे जातिगत परंपरा नहीं थी, जात नाम से परंपरा नहीं थी, यहाँ पे कर्म से परंपरा बनी हुई, ठीक है? तो जो वर्ण है कर्म से बनी हुई, ठीक है? फिर आगे भगवान कहते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्म भिर्न सबध्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ पर कभी भी किसी प्रकार के कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं किसी कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं घूमता। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ पर किसी भी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैं कोई भी कर्म करूं उसका फल मुझे लगता ही नहीं, और ना ही मैं किसी सांसारिक इच्छा की कामना करता हूं। जो ये चीजों को जानता है कि मैं सभी कर्म फल के बंधन से मुक्त हूं, मैं किसी चीज की चाहत नहीं करता, वह निश्चय ही अपने कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा, ऐसा भगवान कहते हैं, ठीक है? फिर आगे प्रभु कहते हैं 4.15 में, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल में जितने भी मुक्त आत्मा मेरे परम धाम को गई हैं, उन्होंने मेरी दिव्य स्वभाव को, मेरी दिव्य प्रकृति को जाना है, मेरे दिव्य जन्म, मेरे दिव्य कर्म को जाना है, मेरे परमेश्वर भगवत स्वरूप को जाना है, अतः तुम्हें भी अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करके कार्मिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर रह रहे हैं, जिनसे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य की दो श्रेणियां होती है, एक जो पापिष्ट व्यक्ति होता है जिसका मन अशुद्धियां और बुरे ख्यालों से भरा रहता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में भक्त होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो व्यक्ति पापिष्ट होता है जिसका मन हमेशा बुराइयों से भरा रहता है, उसको चाहिए कि अपने अंदर कृष्ण भगवान की भक्ति जगाए और अपनी सारी बुराइयों को खत्म करे, और जो ऑलरेडी भगवान कृष्ण का भक्त है उसे चाहिए कि इसी विधि का पालन करे, अपने आप को भगवान का भक्त रखे और दूसरे को भी रास्ता दिखाए भगवान की भक्ति में आने का। तो ये दो लोग कृष्ण भावनामृत का भावना रख के भगवान कृष्ण की भक्ति करके भगवान कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, किम कर्म किम कर्मेति कव्यो अप्यत अप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षयसे अशुभात्। अब श्लोक नंबर 16 में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अच्छा यहाँ पे अब जो है अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है? अर्जुन यहाँ पे भगवान से प्रश्न पूछते हैं, उससे पहले भगवान यहाँ पे कुछ चीजें कहते हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे भगवान कहते हैं, जब अर्जुन से प्रश्न पूछने से पहले, अर्जुन जब प्रश्न पूछना चाहते हैं उससे पहले भगवान कहते हैं, कर्म क्या है अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं, अर्जुन, और मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या होता है अकर्म क्या होता है। वॉइस नहीं आ रही क्या प्रभु जी? वॉइस क्लियर है प्रभु जी? माता जी शायद बोल रही है। माता जी एक बार थोड़ा आप भी रिज्वाइन कर लीजिए, हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। जी जी। तो जैसा कि यहाँ पे
भगवान कह रहे हैं कि मैं तुमको बताऊंगा कर्म क्या है अकर्म क्या है, और इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। जो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उन्हीं को मालूम नहीं होता कि कर्म क्या है अकर्म क्या है। अतएव अर्जुन मैं तुमको बताऊं कि कर्म क्या है, इसे जानकर तुम सभी अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाओगे। फिर आगे भगवान कहते हैं कर्मणो हयपि बोधवयम् बोधवयम् च कर विकर्मणः अकर्मणश्च बोधवयम् गहना कर्मणो गतिः। भगवान कहते हैं कर्म की बारीकियों को समझना चाहिए और वो समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है विकर्म क्या है अकर्म क्या है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन तीन तरह की चीज होती है, कर्म अकर्म और विकर्म। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी इन तीन चीजों को जान के भी इन तीन चीजों को नहीं जान पाता। इन तीन चीजों का नाम तो जानता है लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं जान पाता। अब मुझसे सुनो कि ये क्या चीज है। भगवान कहते हैं कर्म की बारीकियां जो कर्म का सिद्धांत भगवान ने बनाया है बहुत कठिन है, इसको सुनो। कर्म क्या है अकर्म क्या है विकर्म क्या है। भगवान कहते हैं हम जो भी काम करते हैं फल की इच्छा को लेकर हम जो भी कार्य करते हैं जो भी काम करते हैं वो कर्म के अंतर्गत आता है। अगर हम किसी भी एक फल की इच्छा को लेकर अगर हम कोई कार्य करते हैं वो कर्म कहलाता है। विकर्म क्या है, जितने भी दुष्कर्म जितने भी बुरे कार्य अगर हम करते हैं वो विकर्म के अंतर्गत आता है। और अकर्म अगर हम अपने कर्म में फल को तुम ना त्यागे लेकिन उसमें भगवान की याद जोड़ दें, जब भगवान को हम अपने कर्म के साथ जोड़ देते हैं जो भी कर्म करें हम सोचे कि हम भगवान की इंद्रियों को तृप्ति के लिए कर रहे हैं, भगवान को खुश करने के लिए हम कर्म कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म कर रहे हैं, अपने हर कर्म में भगवान की याद जुड़ी रहे तो इस तरह के कर्म को अकर्म कहते हैं। तो कर्म क्या होता है, फल की इच्छा के साथ कोई काम करे तो कर्म है, बुरे काम करे तो विकर्म है, और अकर्म वह कार्य जिसमें भगवान की याद जुड़ी हो वो क्या कहलाता है अकर्म। फिर आगे भगवान कहते हैं क्या कहते हैं कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मान मन मनुष्येषु स युक्त कृतस्य कर्म कृतः। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं भगवान, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होकर रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो यहाँ पे प्रभु क्या कर रहे हैं, हे अर्जुन जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य बुद्धिमान है। कर्म में अकर्म मतलब अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है उसमें भगवान की याद को जोड़ दे वो अकर्म हो गया, और कोई व्यक्ति अगर अकर्म कर रहा है निश्चित रूप से वो काम तो कर ही रहा है कर्म तो कर ही रहा है लेकिन उसमें भगवान की याद है। तो जो व्यक्ति कर्म को अकर्म कहता है और जो व्यक्ति अकर्म में कर्म देखता है वो सभी प्रकार से बुद्धिमान है और वो सभी प्रकार के कर्मों से प्रवृत्त रहकर भी भगवान के धाम दिव्य स्थिति को प्राप्त होगा। फिर आगे यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधः। अब भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाना चाहिए, उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्म सात कर दिया है। भगवान कहते हैं अर्जुन किसी भी व्यक्ति का कोई डिसीजन उसके सांसारिक इच्छाओं से रहित होता है उसके बिना होता है तो ऐसे व्यक्ति को हमें पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए, जो अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है और जो अपने इंद्रियों से किसी भी प्रकार की सांसारिक कामना नहीं करता और डिसीजन लेता है ऐसे व्यक्तियों को हमें पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मनया भिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति स। भगवान के कृष्ण यहाँ पे कहते हैं हे अर्जुन अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो यहाँ पे क्या कहते हैं श्री कृष्ण प्रभु कि अगर हम अकर्म ना करें लेकिन कर्म फल के आसक्ति को मतलब उसके रिजल्ट को अगर हम त्याग दें तो भी हम कर्म के बंधन से नहीं बनते, हम निष्काम भाव से कर्म करते रहते हैं।
निष्काम, अगर हम कर्म के बंधन से नहीं बनना चाहते तो कर्म के फलों को त्याग दो या अपने कर्मों में भगवान को जोड़ दो, भगवान की यादों को जोड़ दो, तो दोनों से ही कर्म का बंधन नहीं होता है, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, निराश्रित चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्ना पुनोति क्लीवशम। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पापी वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस प्रकार कर्म के फलों को त्याग कर या अपने कर्म में मेरी याद को रखकर कर्म करता है, वह पूर्ण रूप से अपने संयमित बुद्धि और मन से कार्य करता है। वह कभी अपने कर्ता होने का दंभ नहीं रखता कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, वह कर्ता होने का दंभ नहीं रखता, वह सोचता है सब कुछ भगवान कर रहे हैं, मैं एक निमित्त मात्र हूँ। वह इस तरह कार्य करता हुआ वह कभी पाप रूपी जंजल पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, यदि चशाला भसंतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सर समाह सिद्धाव सिद्धौ च कृतवापि न निबध्यते। अब भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त रहता है, जो ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी नहीं बनता। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति उसे लाभ हो या हानि हो वो उसका व्यवहार सेम रहता है, जो व्यक्ति सभी प्रकार से द्वंद्व से मुक्त रहता है, जो किसी से नफरत नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, जो व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों में उसका व्यवहार समान रहता है, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी अपने कर्म से नहीं बनता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रवीरिति लीयते। अब भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष प्रकृति के गुरु के प्रति अनाशक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, वो प्रकृति के गुण यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण इनसे लिप्त नहीं होता, और जो मेरे दिव्य ज्ञान में कि मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है, मैं परमेश्वर भगवान हूँ, जो इस दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित रहता है, उसके सारे कर्म ब्रह्म लीन हो जाते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मागनो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्ममेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कार्यों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे भावना से पूर्ण रूप से संबंधित रहता है, लीन रहता है, जो अपने आध्यात्मिक कार्यों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की उसे प्राप्ति होगी। भगवान कहते हैं, जो निरंतर मेरा चिंतन करता रहता है, मेरा मनन करते रहता है, वो अपने मेरे लिए कर्म करता हुआ निश्चित रूप से मेरे भगवत धाम को प्राप्त होगा, क्योंकि उसमें उसका किया हुआ कर्म हवन भी आध्यात्मिक है और उसका जो फल है वो भी आध्यात्मिक ही होता है, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, दैवमेवापरे यज्ञम योगिना परिउपासते ब्रह्मागनावपरे यज्ञम यज्ञेनैव जुहवति। अब भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, हे अर्जुन, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्म परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। कहते हैं अर्जुन, कुछ योगी जो है यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहूत करते हैं। रागे भगवान कहते हैं, श्रोत्रादीनी इंद्रियान यन्य संयमाग्निषु जुहवति शब्दादि निविषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुहवति। यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं द्वारा तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इंद्र विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। यहाँ पे दो परिवार दिखाए गए हैं,
एक है जो संन्यास ले चुका है ना, जो भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुका है, और एक गृहस्थ। ठीक है, अब ये जो भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके होते हैं, है ना, तो इन्होंने ये विशुद्ध ब्रह्मचारी कहलाते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने इंद्रियों को, अपने मन को नियंत्रण में रखा हुआ है, और नियंत्रण में रख के भगवान की भक्ति करते हैं। और एक है जो गृहस्थ, ये इंद्रियों का यूज तो करते हैं लेकिन उनके जो विषय है उनमें आसक्त नहीं होते, क्योंकि इनको सांसारिक लाभ भी चाहिए होता है लेकिन उसमें आसक्ति इनकी नहीं होती। जैसे अगर इनको कोई काम करना है तो उसमें आसक्ति नहीं होती, भगवान को याद करके वो काम करते हैं, उसमें वो उससे लिप्त नहीं होते, उसी के पीछे भागते नहीं रहते। जैसे पैसे के पीछे ना भागना, संसार के इच्छाओं के पीछे ना भागना, भगवान ने जो दिया है उसी में संतुष्ट रहना, उसी में परिवार का पालन करना, जो कुछ भी धन मिले परिवार का पालन करना, बाकी धन भगवान की सेवा में लगा देना और भगवान की भक्ति करना, ऐसा ब्रह्मचारी, ऐसा गृहस्थ होता है। और ब्रह्मचारी, विशुद्ध ब्रह्मचारी जो अपना सारा जीवन भगवान को अर्पण कर देते हैं, जो आजीवन विवाह न करने का जो प्रण लेते हैं, ऐसे लोग अपने इंद्रियों को और मन के नियंत्रण को पूरी तरीके से अग्नि में सुहा कर देते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, कर्माणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहवती ज्ञान दीपिते। भगवान कृष्ण कहते हैं, दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्य को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुत कर देते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन जो व्यक्ति मन को वश में करना चाहता है, जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करना चाहता है और वश में करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे लोग संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्य को संयमित करके मन रूपी अग्नि में आहुत कर देते हैं। थोड़ा सा कठिन लग रहा है समझने में, मैं बताता हूँ आसानी से। जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल में कर लेता है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेता है, वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। इंद्रियों को कंट्रोल में करने के लिए अपनी जो जितने भी इंद्रियां हैं, सभी तरह के इंद्र विषयों से उसको हटाएं और के माध्यम से उसको संयमित करें, और इसको ऐसे कंट्रोल करेंगे जब भगवान की भक्ति करें उसके अलावा कोई तरह की चीजें हमारे दिमाग में ना आए। फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, द्रव्य यज्ञास्ते यज्ञ योग यज्ञास्ते परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संश्री तर्वतः। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा, अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन कई लोग भगवान की पूजा करने के लिए, उनकी तपस्या करने के लिए कठोर व्रत करते हैं कि मैं निर्जला रहूंगा, निर्जला व्रत रहूंगा। पहले जैसे हिरण्यकश्यपु है, वो कई लाख वर्षों तक भगवान ब्रह्मा, ये जो है ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। और जैसे हम देख सकते हैं प्रहलाद महाराज, ये जो आपका है, ये कौन है आपके, ये जो आपके हैं हमारे ध्रुव प्रभु जी, ये ध्रुव जी हैं, ये जो ध्रुव जी हैं, इन्होंने 6 वर्ष की उम्र में भगवान को पा लिया था, तो इस प्रकार की तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद कई लोग भगवान की जितनी भी तपस्या करते हैं, कोई कहता है कि मैं आहार छोड़ दूंगा, कोई कहता है मैं जल छोड़ दूंगा भगवान की पूजा के लिए, तो कई लोग कठोर व्रत को अंगीकार करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, कई लोग अष्टांग योग को इस्तेमाल करते हैं। अष्टांग योग आपको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि कई लोग अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास करते हैं, यानी ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और कई लोग वेदों के अध्ययन के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो भगवान ने कहा है, मेरी प्राप्ति के लिए 3 तरह के काम करते हैं लोग, या तो कठिन व्रत रखते हैं, या अष्टांग योग पद्धति के द्वारा ध्यान करते हैं, या वेदों का अध्ययन करके उस तक पहुंचना चाहते हैं, ये भगवान कह रहे हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, अपाने जुहवती प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्धवा प्राणायाम परायणः। भगवान कृष्ण श्लोक नंबर 29 में कहते हैं, हे अर्जुन अन्य लोग भी जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग अपने शरीर को थोड़ा कष्ट दे के भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो क्या करते हैं।
तो कुछ लोग समाधि में रहते हैं तो अपने श्वास को रोक लेते हैं और समाधिस्थ हो जाते हैं। कई लोग कुछ समय के लिए हवा लेते हैं, फिर 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद उसी हवा को वापस छोड़ते हैं, फिर लेते हैं। तो वही बता रहा है कि अपान में प्राण को, प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोक कर उस समाधि में चले। अन्य योगी जन कोशिश करते हैं कि भोजन कम करें और भगवान को भगवान की स्तुति ज्यादा करें। यहाँ पे लोग प्राण की, प्राण में आहुति देते हैं। तो इस तरह के से अलग अलग तरह से भगवान की पूजा लोग करते हैं। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं, अपरे नियताहार प्राणान प्राणेशु जुहवती सर्वे अप्यते यज्ञ विदो यज्ञ शमी यज्ञ शपित कल्मषः। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये सभी यज्ञ करने वाली यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानकर पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञ के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये सभी भक्तजन जो यज्ञ करते हैं, ठीक है, अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, उसके अर्थ को जान के, मीनिंग को जान के पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल स्वरूप अमृत को चख कर दिव्य आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर उड़े जाते हैं, मतलब कि चलते जाते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, यजशिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम सनातनम नायम लोको अस्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सप्तम। भगवान कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जब यज्ञ के लिए मनुष्य, यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में जीवित ही नहीं रह सकता तो वो अगले जन्म में किस प्रकार से सुखी रह सकेगा। यज्ञ करना चाहिए और इस कली काल में एक ही यज्ञ है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्वापर युग में जो यज्ञ था, द्वापर युग में जो यज्ञ था वो प्रॉपर तरीके से था, आपका भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करना। त्रेता युग में जो यज्ञ था वो था बड़े बड़े यज्ञ हवन करना। सतयुग में जो यज्ञ था भगवान की तपस्या करना, लेकिन कली काल में सिर्फ एक ही यज्ञ है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं, एवं बहु विद्या यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्म जानवी टांता वार्णेवम ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं, इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जितने प्रकार के यज्ञ मैंने बताए हैं वो सभी के सभी वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं, इन्हें इस रूप में जानने पर तुम निश्चित रूप से मुक्त हो जाओगे। फिर आगे भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 33 में, हे परंतप, हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतत्व गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान सिद्ध ज्ञान में होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे परंतप, अगर द्रव्य यज्ञ से क्या श्रेष्ठ है, ज्ञान यज्ञ। अगर तुम ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहोगे तो द्रव्य के द्वारा पैसा देकर यज्ञ करवाया हुआ उससे ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ। और हे पार्थ, सब कुछ लेके कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 34 में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानीन सत्त्व दर्शिनः। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब भी तुम्हें कंफ्यूजन हो, जब भी मेरे बारे में जानना हो, यज्ञों के बारे में जानना हो, मुझे प्राप्त करना हो, तो अपने गुरु के पास जाओ, उनसे विनती करो कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना है। वह तुम्हें मेरे बारे में ज्ञान प्रदान करेंगे और इस ज्ञान के द्वारा तुम मुझ तक पहुंच सकोगे, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, यज्ञ ज्ञात्वा न पुण्यमोहमेवं यास्यसि पांडवः येन भूतान्यशेषेण द्रश्य अस्यात्म अन्यतो मई। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से यानी गुरु से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम
तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, जब तुम्हें एक परंपरागत गुरु के द्वारा तुम्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा तो उसके बाद तुम पुनः मोक्ष प्राप्त नहीं होगे, तुम मेरे दिव्य जन्म दिव्य स्वरूप को जान पाओगे, मेरे भगवत स्वरूप को जान पाओगे और फिर तुम जान पाओगे कि सभी जीव मेरे अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं और वे सब मेरे हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 36 में, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर सुख सागर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। यहाँ पे भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन, अगर तुम मेरी भक्ति करोगे, मेरी भावना से भावित रहोगे तो निश्चित रूप से अगर तुम सर्वाधिक पापी भी रहोगे तो भी मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, बस शर्त यह है तुम मेरी शरणागति स्वीकार करो और ये संकल्प लो कि आगे से कोई भी तरह का पाप नहीं करेंगे, तभी तुम्हारे सारे पाप क्षमा होंगे। जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है उसी प्रकार से यह ज्ञान रूपी अग्नि तुम्हारे सारे भौतिक कर्मों के फलों को जला डालेगी। फिर आगे भगवान कहते हैं, न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह तत् स्वयं योग संसिद्धम सिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। अब भगवान श्लोक नंबर 38 में बोलते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान और कुछ भी शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का, जितने भी योग हैं, उसका एक परिपक्व पका हुआ फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर से इस ज्ञान का आस्वादन कर लेता है या चख लेता है। आगे भगवान कहते हैं 39 में, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जिसने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है और इसे प्राप्त करते ही वह व्यक्ति तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। फिर आगे भगवान बोलते हैं श्लोक नंबर 40 में, किंतु जो व्यक्ति अज्ञानी है, श्रद्धा विहीन है, शास्त्रों में संदेह करता है, वे भगवत धाम भगवत 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 भावना मृत नहीं प्राप्त करता अपितु नीचे गिर जाता है। संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में सुख है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अज्ञानी है, जो मेरे श्रद्धा नहीं रखता, जो शास्त्रों में संदेह करता है, जो भगवत भावना भावित नहीं है, जो मेरे भावना भावित नहीं है, वो इस संसार में नीचे गिर जाता है और संशय होने के कारण ना तो इस लोक में उसका भला होता है ना ही परलोक में उसका भला होता है। इसलिए हमें कभी भी अपने शास्त्रों पर संदेह नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र कह दे उन्हें हमें लक्ष्मण रेखा मान के चलना चाहिए, वही ब्रह्म शब्द ब्रह्म वाक्य मान के चलना चाहिए। ठीक है, तो जो अज्ञानी जन होते हैं, श्रद्धाविहीन होते हैं, वो भगवान पे संदेह करते हैं, शास्त्रों पे संदेह करते हैं और ऐसे लोग निश्चित रूप से नरकगामी होते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्तवैनम संस्यम योगमा तिष्ठो अतिष्ठ भारतः। भगवान कृष्ण कहते हैं अंत में, हे अर्जुन, अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर उठ खड़े हो और युद्ध करो। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उसे ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट डालो। जब तुम कह रहे हो ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसे ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट डालो। हे भारत, अब तुम योग से समन्वित खड़े हो, जाओ युद्ध करो। ठीक है, तो आखिरी भगवान को चैप्टर नंबर 4 में यही बताते हैं। फिर प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो दिव्य द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं,
आत्मबोध तथा श्री भगवान विषयक शब्द है। जो भगवद गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसे भगवान ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जब भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो वह यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि दो तरह के यज्ञ होते हैं, एक द्रव्य यज्ञ, एक आत्मज्ञान का यज्ञ। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान का यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। भगवान यहाँ पे कहते हैं भक्ति का यज्ञ जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। हमेशा हमें भगवान के भावना भावित होना चाहिए। शास्त्रों में कोई संदेह नहीं करना चाहिए, वेदों में कोई संदेह नहीं करना चाहिए, भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के उपदेश देने के बाद भी गीता के उपदेश का अनुसरण नहीं करता वह व्यक्ति निश्चय ही नरक में गिरता है, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। हरे कृष्णा सभी को। अब किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना है, कोई आपको सवाल है तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, या आप लोग जो है अपना प्रश्न जो है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप लोग हैंड रेस कर दीजिए या तो अपना प्रश्न चैट बॉक्स में लिख लीजिए। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा, साक्षी माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी पहला मतलब सारे क्वेश्चन का एक ही मतलब सारे का एक ही क्वेश्चन है मेरे लिए आज आपके पास जी, कि हमारा दिनचर्या से लेके जो रात तक का समय है हमें ग्रस्त जीवन में भी रह के हमें कैसे और क्या क्या करना चाहिए जिससे हम भगवान जी की मतलब समक्ष जा सके या उनके चरणों में जा सके। देखिए माता जी, सबसे पहले तो हमें प्रातः काल उठना चाहिए। हम लोग जो है 3:30 बजे उठते हैं, 4:30 से हम लोग मंगल आरती अटेंड करते हैं। सबसे पहले हमें उठ के स्नान करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें 16 माला का जप करना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो 16 माला का जप हम दिन स्टार्टिंग में ही निपटा लें। ठीक है, स्टार्टिंग में ही 16 माला का जप कर लें, दिन भर के लिए ना रखें। अगर पॉसिबल नहीं है तो दिन भर में कभी भी 16 माला जप आप कर सकती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी आपके नित्य कर्म हो करिए। ठीक है, फिर शाम के वक्त भगवान की पूजा करिए और दोनों टाइम भगवान को कोशिश करिए भोग लगाने का, अगर पॉसिबल हो तो। नहीं तो अगर एक टाइम अगर आप भोग लगाती हैं तो भी सही है, लेकिन जब भी आपके घर में खाना बने कोशिश कीजिए भगवान को अवश्य भोग लगाएं, भगवान को भोग लगाएं और भगवान का प्रसादी ग्रहण करें। ठीक है, और हमेशा सात्विक व्यवहार रखें और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। कोशिश करें कि लहसुन प्याज ना खाएं। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप कम से कम 4 चीज को अवश्य फॉलो करें। कोई तरह का नशा नहीं करना, किसी भी तरह का शराब का सेवन नहीं करना, किसी भी तरह बुरी संगति में नहीं पड़ना, है ना। और किसी भी तरह का ये जो 4 प्रिंसिपल है हम लोग के, वो सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। भगवान की भक्ति करें, जो भगवद गीता है उसको पढ़ें, श्रीमद् भागवतम को पढ़ें, है ना। तो बस इन सारी चीजों से माला जाप करने से दिन भर की हमारी दिनचर्या इस तरह से हमारी होनी चाहिए। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। और कोई अगर प्रश्न पूछना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं, या आप लोग चैट बॉक्स में भी प्रश्न लिख सकते हैं। प्रभु जी और तो कोई प्रश्न नहीं है। हाँ जी, एक प्रश्न है प्रभु जी कि व्हाट इज द टाइम ऑफ वन डे ऑफ कृष्णा जी। देखिए प्रभु जी, हाँ एक अंश प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए यहाँ पे जो ब्रह्मा जी के हम लोग समय निर्धारित करते हैं। देखिए कृष्णा जी जो है उनसे जब हम आगे बताएंगे आपको तो आप देखेंगे कि कृष्णा जी से सबसे पहले महाविष्णु जी प्रकट होते हैं। महाविष्णु जी के रोम रोम से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और हर ब्रह्मांड में महाविष्णु जी गर्भोदक शायी विष्णु जी के रूप में प्रकट होते हैं और
वहां पे कर्वोदक साई विष्णु जी के नाभि से कमल लाल निकलता है और ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी की उम्र से हम समय की गणना करते हैं, यहाँ पे कृष्ण जी का कोई समय नहीं होता, न कृष्ण जी कभी मतलब कि कृष्ण जी पहले भी थे, अभी भी हैं, हमेशा रहने वाले हैं। कृष्ण जी कभी भी उनका समय समाप्त नहीं होता, उनका लिए सब समय सही रहता है, उनके लिए समय की गणना नहीं होती। समय की गणना हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी की उम्र के अनुसार होती है। ठीक, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की उम्र होती है, 36,500 कल्प, मतलब अगर हम समझें 36,500 कल्प होते हैं, हर एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, हर एक मनवंतर में आपके 71 चतुर्युग होते हैं, 71 दिव्ययुग होते हैं, हर एक दिव्ययुग में 4 युग होते हैं, तो ये क्रम चलता रहता है। और जो भी समय की गणना होती है वो ब्रह्मा जी की उम्र के हिसाब से होती है, यहाँ पे कृष्ण जी से समय का कोई वास्तविक मतलब नहीं है। ठीक है, कृष्ण जी गोलोक में रहते हैं, वे सब कुछ बस उनकी इच्छा से उत्पन्न हो जाता है, बाकी हर ब्रह्मांड में समय की गणना जो है ब्रह्मा जी की उम्र से की जाती है। जी प्रभु जी, और कोई अगर प्रश्न पूछना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी प्रभु जी, शिव जी की बिल्कुल देखिए, जैसे ब्रह्मा जी हैं वैसे शिव जी भी ब्रह्मा जी से ही आते हैं, तो उनकी भी उम्र निश्चित है। ठीक है, जब तक आप जब तक ब्रह्मा जी रहते हैं, ठीक है, तो तब तक शिव जी भी रहते हैं। वैसे शिव जी का दो रूप है, एक है आपका पृथ्वी पे रुद्र रूप में भगवान है, और एक है आपका सदाशिव रूप में, वो आपके जो आपका ये धाम है आपका, क्या कहते हैं भगवान, जो आपका अयोध्या धाम है, और नीचे जब आप ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो उनके बीच में इनका सदाशिव लोक रहता है। तो वो भी जब कल्प खत्म हो जाता है, ठीक है, जब पूरा का पूरा ब्रह्मा जी का उम्र खत्म हो जाता है, तो शिव जी भी नहीं रहते, वो संहार करते हैं, उनका संहारकर्ता के रूप में नाम है। हर ब्रह्मांड में वो संहारकर्ता के रूप में प्रविष्ट होते हैं, और जब ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है तो ऑब्वियस बात है सभी चीजें समाप्त हो जाती हैं, और सब कुछ फिर महाविष्णु जी में लीन हो जाती हैं। और अभी हम आगे देखेंगे कि जब महाविष्णु जी श्वास छोड़ते हैं तो सभी ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं, और जब महाविष्णु जी श्वास लेते हैं तो सभी ब्रह्मांड वापस महाविष्णु जी के अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं। तो जब तक ब्रह्मांड रहता है तब तक सब कुछ रहेगा, और जब ब्रह्मांड महाविष्णु जी के अंदर आ जाता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, और सिर्फ एक महाविष्णु भी जाके कृष्ण भगवान में सम्मिलित हो जाते हैं। तो फिर सिर्फ एक ही व्यक्ति रहते हैं, वो कृष्ण, और वही परम पुरुष है। जी प्रभु जी, और अगर कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस आप कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में, और अगर कुछ लिखना हो आपको तो। ठीक है प्रभु जी, अब कोई प्रश्न नहीं है तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। जी प्रभु, और कल चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।